खंड मंडलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन परमानन्दम् सद्गुरु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। भगवान सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो जगत की एकमात्र चेतना है उसके तरंगों के वर्तुलों को स्वीकार करके इस गीता के 17वें अध्याय का 24वां श्लोक ले रहे हैं। ये मान के चलो कि बस परमात्मा इस मुख को माध्यम बना के आपको बता रहे हैं। ओम ओंकार के प्रयोग की व्याख्या भगवान कर रहे हैं। तस्मादो मृत्युदारत्यः यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिना। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिना। तस्मात् इसलिए ब्रह्मवादिनाम वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष और परमात्मा परब्रह्म को जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष विधान उक्त जैसा कि विधान है जैसा कि नियम है जैसा नियत किया हुआ है यज्ञ दान तपह क्रिया चाहे यज्ञ दान तप और चाहे कोई भी क्रिया हो आध्यात्मिक क्रिया हो सततम सदा ओम ओंकार का इति ऐसा उदाहरता उच्चारण करके ही प्रवर्तन्ते इन क्रियाओं को आरंभ करते हैं। इसलिए हे अर्जुन वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले या ब्रह्म वेत्ता या श्रेष्ठ पुरुष जो विधि और विधान से नियत कर्म है चाहे वो यज्ञ हो या दान हो या तप हो या अन्य क्रियाएं हो सदा ही ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ करते।
सदगुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जिनके बारे में अगर मूल रूप से कहा जाए तो वो जगत की एकमात्र चेतना है, वो जगत का एकमात्र प्रेम है, वो जगत की एकमात्र आत्मा है, वो जगत की एकमात्र मौजूदगी है, अस्तित्व है, वो है तो जगत है, वो नहीं तो जगत नहीं। आप छोटे से उदाहरण में देख लें, यदि आप जिंदा हैं तो आपके लिए संसार है, यदि आपके शरीर में प्राण नहीं रहे तो ये संसार भी आपके लिए नहीं है। तभी कहा है आप मरे तो जग परलय, वो भगवत्ता आपके अंदर है तो ही आप इस जगत को जैसा है वैसा देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। इसलिए जीवन में सर्वाधिक यदि कोई मूल्यवान है तो वह आपके अंदर मौजूद उस अस्तित्व की मौजूदगी है, जिसके कारण आप जान लेते हो, जानने वाले हो, जिसके कारण आप सांस को ले सकते हो, भोजन को पचा सकते हो, और जिसके कारण आप जीवन के सुख दुख शांति अशांति सबको अनुभव कर सकते हो, सबको जान सकते हो। ऐसे परमात्मा का अगर कोई सबसे प्यारा नाम है तो वो ओम है। तो वो ओम है। यदि कोई कहे कि प्रभु का प्यारा नाम ओम ओम ओम, हरि का प्यारा नाम ओम ओम ओम, ब्रह्म का प्रकाशक नाम ओम ओम ओम, तो ये ओम जो है, इस ओम का जो मैंने आपको पिछले श्लोक में बताया कि ओम का मतलब होता है ओ उम वह हूं मैं सो हम, ओ उम वह हूं मैं, तो यही कारण है कि प्रत्येक जो पवित्र कार्य हो, चाहे वो यज्ञ हो, और यज्ञ के कितने प्रकार हैं, यज्ञ में ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ में दीक्षा यज्ञ है, यज्ञ में अश्वमेघ यज्ञ है, यज्ञ में वाजपेय यज्ञ है, यज्ञ में राजसूय यज्ञ है, यज्ञ में हवन है, यज्ञ में त्रिकाल संध्या का संध्या भी यज्ञ है, यज्ञ में सदगुरु की सेवा भी यज्ञ है, दीन दुखियों को मदद करना ये भी यज्ञ है, और परमात्मा जो अपने अंदर विराजा है उसको जानना ये भी यज्ञ है। तो जब कुछ भी कोई चीज शुरू करते हैं, कोई परमात्मा की ओर जाने वाली या सांसारिक कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं, तो उस समय हमारे पूर्वज, हमारे ज्ञानी, हमारे ऋषि मुनि, हमारे ब्रह्म वेत्ता सब ओम बोलकर ही शुरू करते। दुनिया के समस्त मंत्र जो भगवान की विभूतियों के द्योतक है, उनके प्रारंभ में ओम आता है। और तो और हमारे ऋषि मुनि तो स्थापना, भ्रूण स्थापना भी ओम से ही करते थे, भोजन का प्रारंभ भी ओम से ही करते थे, शयन का प्रारंभ भी ओम से ही करते थे, स्नान का प्रारंभ भी ओम से ही करते थे, चर्चा का प्रारंभ भी ओम से ही करते थे, प्रवचन का प्रारंभ भी ओम से ही करते थे, दीक्षा का प्रारंभ भी ओम से ही करते थे। इसलिए चाहे कोई भी यज्ञ हो या आहुति मंत्र हो या दान का संकल्प हो या तप का प्रारंभ हो या दीक्षा का प्रारंभ हो, अपन बोलते हैं ना ओम जगदाधार सर्व अधिष्ठान दात्रे नमः, ओम बोलते हैं, ओम से शुरू करते हैं, ओम नमः शिवाय गुरुवे,
ओम से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु, ओम गंगणपते नमः, ओम से ही शुरू करते हैं। ओम ओम नमो देवी परम देवी, ओम से ही शुरू करते हैं। ओंकार बिंदु सहितम व्याप्तम येन चराचरम, ओम से ही शुरू करते हैं। तो ओम उस परमात्मा के सर्वोच्च अस्तित्व का वाचक है, जिसको कि बौद्ध जैन वैष्णव शैव्य निराकार और वेदांत समस्त सनातन परंपरा के की शाखाएं प्रयोग में लाती हैं। इसके अलावा भी अगर हम पाश्चात्य देशों में जाएं तो आमीन जो है वो ओम का ही रूप है। अगर हम अरबी भाषा के शब्दों को देखें तो लाम जो है वो ओम के एक अंग के एक अंश का रूप है। हमजा एक ओम के अंग का रूप है। अलिफ वे ते से जीम स्वाद ज्वार इन सब को गौर से देखें तो इसमें तुम्हें ओम की आकृति नजर आ जाएगी। विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी तरह की मनुष्य जातियां हैं, समस्त जाति उपजाति समस्त रंग वर्ण भेद देश प्रांत राष्ट्र समस्त इसमें आपको ओम का समावेश कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगा। इसलिए ओम ओम जो है वो सार्वत्रिक ब्रह्म का प्रतिपादक है, ओम सार्वत्रिक ब्रह्म का उद्घोषक है, ओम सार्वत्रिक ब्रह्म का परिचायक है, ओम सार्वत्रिक ब्रह्म का प्रतीक है। इसलिए ये ओम ही है जो हमें ब्रह्म से भी जोड़ता है और ओम ही है जो हमें सारे जगत में मौजूद जितनी भी जीवात्माएं सबसे जोड़ता है। अपने कभी गौ माता को बोलते सुना होगा, उसमें आपको ओम की ध्वनि आती है। आपने कभी भौरे को सुना होगा, भौरे के गुंजार में ओम की ध्वनि आती है। आपने कभी किसी कुत्ते को रोते हुए सुना होगा, उसके रोने में ओम की ध्वनि सुनाई देती आती है। समस्त पशु पक्षी और जीव जंतुओं की ध्वनियों में ओम ही प्रतिध्वनित होता है। इसलिए जब ओम ही प्रतिध्वनित होता है तो हम क्यों ना इस परम पावन और परमोच्च ब्रह्म प्रतिपादक शब्द को सम्मान पूर्वक प्रत्येक क्रिया में, चाहे वो हमारा भोजन, चाहे वो हमारा स्नान, चाहे वो हमारा दान, चाहे वो हमारा यज्ञ, कुछ भी हो, उसमें ओम ही बोला। और क्यों ना हम इसे अपनाएं। जब हम दान देते हैं या मित्रता करते हैं तो ओम बोलकर मित्रता और दान और विवाह भी, मित्रता विवाह भी करते हैं तो ओम बोलकर करते हैं। क्यों? कि ओम बोलना इस बात का सत्य संकल्प है कि हम भगवान को साक्षी रखकर ये काम कर रहे हैं। इसलिए सारे मंत्र और तीर्थ और जितने भी अध्यात्म और उप अध्यात्म और अन्य जिनको कि लोग रिलीजन बोलते हैं, वो भी रिलाइज करते हैं, वो भी स्वीकार करते हैं कि परमात्मा एक है और परमात्मा का एक होना
उसका कोई अंतिम शब्द है तो वो ओम है, और कोई प्रारंभिक शब्द है तो वो ओम है। ओम से ही परमात्मा प्रारंभ हुआ है, ओम से ही परमात्मा की सीमा आप लोगों के लिए समाप्त होती है। इसी से शुरू होता है और इसी से खत्म होता है। इसलिए अनुष्ठानों में ओम का उच्चारण किया जाता है, लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखना, ओम का सम्यक अर्थ तुम कितना ओम 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 की बोम लगाते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि तुम ओम के सम्यक अर्थ को नहीं जानते। जब तक तुम उसके अर्थ में प्रवेश नहीं करोगे, तब तक तुम्हें वह आनंद नहीं मिल सकता जो इस ओम से मिलना चाहिए था। जैसे रोटी रोटी चिल्लाने से पेट नहीं भरता, जैसे प्रकाश प्रकाश चिल्लाने से उजाला नहीं होता, जैसे पानी पानी चिल्लाने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे ही ओम ओम चिल्लाने से कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो तब होगा जब आप सम्यक रूप से इस ओम के अर्थ को किसी सदगुरु से जान लो, और जिज्ञासु को ही सदगुरु इसका अर्थ दर्शा सकता है, बता सकता है, और किसी को नहीं बता सकता। क्योंकि ओम की सार्थकता केवल और केवल स्वरूप ज्ञान में है। जिसको स्वरूप का ज्ञान नहीं, उसके लिए ओम ऐसा शब्द है, उसको सत ऐसा शब्द है, उसको तत ऐसा शब्द है, और शब्द से कभी पेट नहीं भरते, शब्द से कभी संतुष्टि नहीं होती, शब्द से कभी ज्ञान नहीं होता, शब्द से कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर शब्द पुरटते रहोगे तो मूर्ता और भी गहरी तुम्हारे जीवन में चली जाएगी। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा, न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। प्यारे मित्रों, तुम शब्द के गुलाम मत हो जाना। इस शब्द के गुलाम यदि हुए तो बुद्धिजीवी हो जाओगे, ज्ञानी नहीं हो पाओगे। जितने लोग शब्द के गुलाम है वो बुद्धिजीवी हो गए, कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए। उनका ऐसा हो गया कि शब्द ही लेना, शब्द ही देना, शब्द ही भोजन, शब्द चबेना, शब्द में ही फंस गए। वो निशब्द में नहीं प्रवेश कर पाए। परमात्मा शब्द नहीं, परमात्मा निशब्द है। परमात्मा क्रिया नहीं, परमात्मा बोध है। परमात्मा करना नहीं, परमात्मा होना है, होने में ठहरना पड़ेगा। इसलिए ओम ऐसा शब्द, तत् ऐसा शब्द, सत ऐसा शब्द, इस शब्द को तुम निशब्द की नौका बना लो, तुम शब्द से निशब्द की ओर यात्रा कर लो। तुम ज्ञानियों से ये अपेक्षा कभी न करना कि ज्ञानी कभी तुम्हारे अज्ञान को थपथपाएंगे, तुम्हारी मूर्खता की प्रशंसा करेंगे, तुम्हें झूठा आश्वासन देंगे, या तुम अंधे हो तो तुम्हें आंख वाला कहेंगे। ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं। अगर कोई ज्ञानी है तुम्हारे सामने तो वो तुम्हारे अज्ञान की कभी प्रशंसा नहीं कर सकता। इसलिए ओम को रटना नहीं, ओम को जानना है, ओम को मानना नहीं, ओम में प्रवेश करना है। ओम तुम्हारी इंद्रियातीत है, ओम तो अनुभव से परे है, ओम तो होना है, ओम तो करना नहीं, ओम तो चिल्लाना नहीं है, ओम तो तुम्हारा गुंजारी प्राणायाम नहीं है,
किंतु तुम्हारे अंदर मौजूद उस अस्तित्व का अनुगूंज है, जो एक बार जानने में आ जाए तो फिर जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, ज्ञानी तो सत्य ही कहेंगे, तुम में सामर्थ हो तो सुन लो, और सामर्थ ना हो तो फिर जैसे बकरी नरियल चाट के चली जाती है, ऐसे चले जाओगे, लेकिन चलो फिर भी नरियल का स्पर्श तो तुम्हें मिल ही गया, फिर भी साक्षी का ध्यान तो तुम्हें सिखा ही दिया, फिर भी तुम शांत तो हो ही सकते हो, फिर भी तुम तनाव रहित तो हो ही सकते हो, फिर भी तुम शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक बीमारियों से मुक्त तो हो ही सकते हो, फिर भी तुम तनाव से होने वाली बीमारियों से बच ही सकते हो, फिर भी तुम मानसिक बीमारियों से बच ही सकते हो, फोबिया से बच ही सकते हो, डिप्रेशन से बच ही सकते हो, मेनिंजेनिया से बच ही सकते हो, डायबिटीज से बच ही सकते हो, ब्लड प्रेशर से बच ही सकते हो, कुछ तो तुम्हें मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ ना मिले। ज्ञानी सत्य का समर्थन करेंगे, सत्य की ओर जाने की प्रक्रिया समझाएंगे, सत्य की ओर जाने का ध्यान समझाएंगे, असत्य का खंडन करते जाएंगे, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर में मूर्ति बनाता है तो वो कुछ नहीं करता, वो नहीं बनाता, वो तो सिर्फ अनावश्यक हिस्से को छेनी हथौड़ी से तोड़ता चला जाता है और आवश्यक हिस्से को छोड़ देता है, मूर्ति अपने आप बन जाती है। ऐसे ही ज्ञानी तुम्हारे अनावश्यक हिस्से को काट फेंकेंगे तुम्हारे अंदर से, बस तुम्हारी माया, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा व्यामोह, तुम्हारी भ्रांति, तुम्हारी मिथ्या चीजों में आस्था, सब कुछ तोड़कर सिर्फ बचा रहेगा तो वह अस्तित्व जो तुम्हारे अंदर परम पावन, उस दिव्य भव्य और ज्योतिर्मय, इसको मूर्ति नहीं कहेंगे, इसलिए एक प्यारा सा शब्द हमारे यहां प्रयोग होता है, ज्योतिर्लिंग। लोगों ने ज्योतिर्लिंग का अर्थ नहीं जाना, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, लिंग का मतलब होता है मौजूदगी, लिंग का मतलब होता है अस्तित्व। वह ज्योतिर्लिंग जिसके प्रकाशित करने के लिए बाहर से कोई ज्योति नहीं लाई जाती, बाहर ढूंढन जामत सजनी, जिसके प्रकाशित करने के लिए वह अप ज्योति है, अपनी ही ज्योति है वो, ज्योतिषा नाम तत् ज्योति है वो अपने अंदर से होने वाला बोध है वो, तो वो जो तुम्हारे अंदर अस्तित्व है, बस ज्ञानी उस अस्तित्व को बचाकर बाकी सब तोड़ देता है, काट देता है, तुम तिलमिलाते हो, तुम क्रोधित होते हो, तुम्हारी धारणा टूटती है, तुम्हारी मान्यता टूटती है, तुम्हारी धरोहर छीनी जाती है, तुम्हारे खिलौने खींच लिए जाते हैं, तुम्हारे सहारे गिरा दिए जाते हैं, तुम्हारी बैसाखियां हटा दी जाती हैं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाता है, तुम्हें अपनी चेतना में खड़ा किया कर दिया जाता है, तुम्हें अपने अस्तित्व में खड़ा कर दिया जाता है, इसको तो ज्ञान बोलते हैं, इसको तो मौजूदगी बोलते हैं। कुछ जिज्ञासु का एक शब्द काट दो, वो दुश्मन हो जाते हैं सदगुरु के, पीछे पड़ जाते हैं उसके, कोई चिंता की बात नहीं, जहां तुम पीछे पड़ोगे सदगुरु वहां है ही नहीं। सदगुरु क्या, सदगुरु तो अस्तित्व है, तुम्हारी मन बुद्धि चित्त अहंकार वहां तक जा नहीं सकते, लेकिन जो जिज्ञासु सदगुरु की चोट को सहन कर जाते हैं, समर्पण कर जाते हैं, अपने जीवन को सदगुरु के हाथों में सौंप देते हैं, वो ब्रह्म में रूपांतरित हो जाते हैं। कहते हैं पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। ये गीता का जो प्रवचन है, 24वां जो श्लोक है, ये बहुत मूल्यवान है। ये वैसा है जैसे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, सनातन धर्म के 24 अवतार,
ये वैसा है जो 24 ही है। जीवन के चतुर दिशा में उन्नति का प्रतीक है ये श्लोक, और इस श्लोक के अंदर भगवान ने दावा छुपा के ओम के माध्यम से अस्तित्व की बात कह दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं तुम सब अस्तित्व में जागो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं तुम्हें साक्षी ध्यान करने में रुचि हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जब तुम साक्षी ध्यान करो तो तुम ईमानदारी से करो, तनाव से मुक्त हो जाओ, और जो मैंने लाभ बताए साक्षी ध्यान करने से, तनाव से होने वाली बीमारियां ना होंगी, मानसिक बीमारियां ना होंगी, संवेगात्मक संतुलन होने से तुम इस विश्व के सबसे ज्यादा नैतिक व्यक्ति होगे। तुम्हारा नैतिक पतन इसलिए नहीं हो सकता कि वो बाहर से आरोपित नहीं, अंदर से प्रस्फुटित है, वो अंतर प्रकाश है, वो बाहर का टॉर्च नहीं है जो सेल खत्म हो जाएंगे उसके। जब ये विश्व ये संसार अधिक से अधिक मात्रा में संख्या में ये ध्यान करेगा, मुझे पूरा विश्वास है ये संसार शांत आनंदित प्रेम पूर्ण और समस्त नकारात्मकता को तिरोहित करके एक ऐसा स्थान बनेगा जो स्वर्ग के देवता भी यहां जन्म लेने के लिए तरसेंगे। मैं आपको अपना आशीर्वाद संप्रेषित करता हूं और फिर याद दिलाता हूं कि हमने जो मिशन रखा है उसका नाम है वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा विश्व शांति। आप इससे जुड़िए, और ये जो वीडियो है ये YouTube पे स्वामी सच्चिदानंद नाम से चैनल है, वहां इनको अपलोड किया जाता है। इन वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा प्रेम, मेरा ज्ञान, मेरी तकनीक, मेरी सहायता, सब कुछ आपके साथ है। आप सब मेरे भाई बहन बंधु, आप मेरे परिवार जैसे हो। मैं आपके अंदर मौजूद उस परमात्मा को जो आत्मा ज्ञान से प्रकट होता है, और बाहर मौजूद उस परमात्मा को जो जिसके होने से प्रकृति का संतुलन बनता है, दोनों को प्रणाम करके आपको शिवोहम बोलता हूँ। शिवोहम।